अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज नाम के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। कतर गल्फ कंट्री का एक बहुत ही छोटा सा देश अचानक से पूरी दुनिया में लाइमलाइट में आ गया, क्योंकि सबसे बड़ी स्पोर्ट इवेंट वहां पे ऑर्गेनाइज हुई। फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन वहां पे किया गया, बहुत सारे स्टेडियम्स बनाए गए। कल उसका फाइनल खेला गया, अर्जेंटीना वर्ल्ड चैंपियन बना, मेसी का सपना पूरा हुआ। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि ये जो भी पूरा कंट्रोवर्सी से भरा हुआ वर्ल्ड कप रहा है, ईरान के प्लेयर्स ने क्या जेस्चर किया, वहां पे दो रिपोर्टर्स की मौत का मामला है और भी कई चीज। लेकिन अब जो खबरें निकल के आ रही है, वैसे खबर थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन मुझे लगता है कि अब विश्व कप खत्म हो गया है, अब आने वाले दिनों में ये लाइमलाइट में आएगी। एक स्कैंडल हुआ है साहब, जिसने पूरे यूरोप को हिला के रख दिया। जैसे हमारे यहां भारत में लोकसभा राज्यसभा ऐसे अंग होते हैं, ऐसे यूरोप के 28 देश, अभी वैसे इनफैक्ट अब 27 क्योंकि यूके उसमें से निकल गया है, तो 27 देशों का एक यूनियन होता है जिसे यूरोपियन यूनियन कहते हैं। ठीक, बातों को समझने की कोशिश कीजिए। और हर एक देश की अपनी पार्लियामेंट होती है, लेकिन ये 27 देश मिलके यूरोपियन यूनियन की भी पार्लियामेंट बनाते हैं। अब उनकी वाइस प्रेसिडेंट है इवा कैली। इनका नाम कतर के एक स्कैंडल के साथ जुड़ा है। बहुत ही बड़ी खबर है, यूरोपियन यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट इवा कैली, इनका नाम जुड़ा है। एंड शी वॉज अरेस्टेड फॉर एलिजिबली टेकिंग ब्राइब्स फ्रॉम कतर टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज इन फेवर एंड ब्लॉक क्रिटिसिज्म अगेंस्ट इट। मतलब क्या हुआ कि कतर से घूस लेने के आरोप में और कतर को क्रिटिसाइज करने से बचाने के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया। घटनाक्रम शुरू कहां से हुआ? घटनाक्रम शुरू हुआ 9 दिसंबर की सुबह में, जब बेल्जियन पुलिस ने बहुत सारी रेड्स कंडक्ट की। ब्रुसेल्स के अंदर बहुत सारी रेड्स उन्होंने कंडक्ट की और 6 लोगों को अरेस्ट किया। 6 लोगों में इवा कैली का भी नाम था, जो एक बेसिकली एक ग्रीक पॉलिटिशियन है। लेकिन इंपॉर्टेंटली ये यूरोपियन यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट है। कहा जाता है कि कतर ने इनको बहुत सारे पैसे दिए, तो प्रश्न ये उठता है कि कतर ने इनको क्यों इतने सारे पैसे दिए, इनको घूस देने की आवश्यकता क्या पड़ गई और इन्होंने क्यों लिए। मामला तो बहुत लंबा है, समझने की बात है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या कुछ होता है। मिले भी है, थाउजेंड्स ऑफ यूरोस मिले हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यूरोस इनके पास से मिले हैं, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पुलिस ने फाउंड कर लिए हैं, तो प्रूफ इनके लिए बहुत सॉलिड है। पूरा यूरोप हिल गया है, इसे कतर गेट स्कैंडल का नाम दिया गया है, यहां से ही ये सर्जित हुआ। अब 3 मुद्दे हैं जिसके कारण कहा जाता है कि ये कतर गेट स्कैंडल हुआ, जिसके कारण कैली राजी हुई कतर की 3 मांगे मानने के लिए। अब इसमें एंट्री होती है रशिया और यूक्रेन की। सबसे पहला रीजन, रशिया और यूक्रेन के बीच जब से युद्ध शुरू हुआ है, पूरा यूरोप एनर्जी क्राइसिस की ओर धीरे धीरे बढ़ता गया। अब सर्दी आ रही है, यूरोप को गैस तो चाहिए ही चाहिए, रशिया से ले नहीं सकते, तो कतर के साथ डील हुई। कतर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का शायद इतना उत्पादन न करता हो, लेकिन गैस का तो उसके पास अखूट भंडार है। जर्मनी ने तो ऑलरेडी एलएनजी की एक डील भी कर ली है,
कतर के साथ। तो यूरोपियन यूनियन को गैस पहुंचाने के मतलब आपको जितना भी गैस चाहिए कतर आपको देगा, ये पहला रीजन था। ये पूरा सेटलमेंट, ये स्कैंडल, ये घूस देने की जो भी बात थी आपसी, तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा। तो कतर ने सोचा कि भाई चलो हमें एक पूरा यूरोपियन मार्केट मिल जाएगा गैस सप्लाई करने के लिए, ये पहला रीजन था। जिसके कारण कहा जाता है कि कैली ने जो भी पॉलिसी मेकर्स थे उनको इन्फ्लुएंस किया कि आप कतर को मदद कीजिए, ये पहला रीजन गैस सप्लाई। दूसरा रीजन क्या था? दूसरा रीजन ये है कि वहां पे की जो पॉलिसीज है वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज हुई थी, स्पेशली वर्ल्ड कप के जो स्टेडियम्स वगैरह बनाए गए उसमें जो भी माइग्रेंट वर्कर्स थे उनके लिए एक पॉलिसी थी जिसका नाम था कफाला। 6,500 के आसपास वर्कर्स की डेथ का आंकड़ा सामने आ रहा है। दो रिपोर्टर्स की भी मौत हुई जिन्होंने ये सच लाने की कोशिश की फीफा वर्ल्ड कप के दौरान, ये खबरें भी आपने सुनी होगी। तो कतर ये चाहता था कि इसके लिए इसका क्रिटिसिज्म ना हो और इस मुद्दे को दबा दिया जाए, क्योंकि कतर वर्ल्ड कप का जो होस्ट बना था तो बहुत सारी चीजें डेजर्ट में थे, तो ग्राउंड्स बनाने थे, स्टेडियम बनाने थे, तो माइग्रेंट वर्कर्स 6,500, बहुत सारे इंडियंस भी है इसमें, तो भारत का लिंक भी यहां पे जुड़ा। खुल के डिटेल्स तो फिर आगे चल के बाहर आएंगी, ये कहा जा रहा है, बहुत बड़ी चर्चा है। तो दूसरा रीजन ये था कतर गेट स्कैंडल का। और तीसरा रीजन कतर का ये था कि कतर के बहुत सारे सिटीजन्स यूरोप जाना चाहते थे, वहां पे स्थायी होना चाहते थे, तो कतर ये भी चाहता था कि उनके लिए जो वीजा के नियम है वो थोड़े से लाइट कर दिए जाए ताकि कतर के कई सिटीजन्स वहां पे जाके स्थायी हो पाए, यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश हैं वहां पे। तो ये तीन मांगे थी प्रमुख कतर की, जिसे कैली ने मान लिया। इसके लिए कतर ने कैली को बहुत सारे यूरोस दी, मतलब घूस दी, और इन्होंने फिर पॉलिसी मेकर्स को प्रोत्साहित किया कि चलो कतर की मदद करते हैं। अब अगर पहला मामला होता ना सिर्फ गैस तक का तो समझ में आता कि भाई गैस तो चाहिए सर्वाइवल के लिए, लेकिन ये जो बाकी के दो मामले ऐड हुए ना वहां पे ये फंसती हुई नजर आ रही है। तो फीफा वर्ल्ड कप तो खत्म हो गया लेकिन कतर के नाम से, नाम के पीछे जो कंट्रोवर्सी का टैग लगा हुआ है वो अभी तक खत्म नहीं हो रहा। कतर गेट स्कैंडल इसे इस नाम से जाना जाता है पूरे यूरोप में, और एक स्कैंडल ने पूरे यूरोपियन यूनियन को हिला के रख दिया। ऐसी खबर थी जो लाइमलाइट में आनी चाहिए थी लेकिन शायद फुटबॉल के क्रेज में आ नहीं पाई। अब वर्ल्ड कप खत्म हो गया है तो सोचा कि सुबह सुबह में ही ये खबरें दे देते हैं। रियल न्यूज नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद तीन ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कीजिएगा और कम से कम आपके जितने भी अपने हैं 5 से 10 लोगों को शेयर कीजिए। लाइक और शेयर करते हैं तो यूट्यूब के एल्गोरिदम में हमारी पोजीशनिंग स्ट्रेंथन होती जाएगी, हमारा मॉरल हाई रहेगा, इतना जरूर से कीजिएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, जय हिंद।